हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन और वर्ल्ड मैप की सीरीज में आपका स्वागत है। आज और हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जगह, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो जगह हैं उनको हम कवर करेंगे। कुछ यूरोप की जगह भी हम कवर करेंगे जो पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बस वही करना है आपको, तैयार हो जा और एक ब्लैंक मैप लो और ब्लैंक मैप में मेरे साथ बनना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप। नॉर्थ अमेरिका आपको पता ही है, इसमें मेनली 3 कंट्रीज आते हैं। पहला है मेक्सिको, दूसरा है यूएसए, तीसरा है कनाडा। और यहाँ पर जो देश आता है ना इस जगह पे, ये है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बगल में इस जगह पे आपका आइसलैंड आ जाएगा। ठीक है, यूएसए का ही पार्ट है ये वाला जो जगह है ना पूरा, ये वाला ये यूएसए का ही हिस्सा है जिसको हम अलास्का बोलते हैं, अलास्का। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता ही है स्वेज पनामा कैनाल है। और तो 3 देश ध्यान रखना, ये हो जाएगा मेक्सिको, ये फिर हो जाएगा आपका यूएसए, यहाँ पे अगेन ये पूरा आपका हो जाएगा कनाडा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा। तो 3 देश, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। अब हम इनमें भी देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये है मेक्सिको, ये है यूएसए, ये है कनाडा, ये अलास्का है जो यूएसए का ही पार्ट है, ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पर एक कंट्री है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। और ये साउथ अमेरिका है, यहाँ बीच में पनामा कैनाल है। अंडरस्टूड। अब इन्हीं में देखते हैं, सबसे पहले ये वाला जो मैप है आपका यूएसए का मैप है ना, ये रहा आपका यूएसए पूरा। तो यूएसए में कुछ जगह पूछी जा सकती है ना, कौन कौन सी जगह पूछी जा सकती है? देखो यूएसए में अगर हम देखें, ये तो हो जाएगी ईस्टर्न साइड और ये हो जाएगी वेस्टर्न साइड। तो पोर्ट्स दे रखें, ईस्टर्न साइड में 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो भाई इस जगह पे आपका जो है ना, इस जगह पे यहाँ पे ये तो एक न्यूयॉर्क भर देना, और इस जगह पे आप भर देना वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी। इधर की साइड में जो पोर्ट हैं, वेस्टर्न साइड में पोर्ट हैं, इधर आपको पता है पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है। तो वेस्टर्न साइड में कुछ जगह आपको याद रखनी है। नंबर एक, इस कोने पे ही याद रखना है, ये जो कोना है यहाँ पर आपको भरना है सियाटल, इसके नीचे पोर्टलैंड, पोर्टलैंड के नीचे सैन फ्रांसिस्को और फिर लॉस एंजल्स, ध्यान रखना यूएसए में। ईस्टर्न साइड में 2 जगह याद रखनी है, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी। वेस्टर्न साइड में 2-3-4 चीज़ याद रखनी है, सियाटल, पोर्टलैंड और सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। और ये कोस्टल एरिया है, कैसा एरिया है? कोस्टल एरिया है, जैसे ये लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड और सियाटल। तो ये 4-5 जगह आपको याद रखनी है यूएसए के बारे में। और यूएसए के इधर की साइड में जो कंट्री वो ओशन है इसका नाम याद रखना पैसिफिक ओशन, इधर की साइड में जो ओशन है इसका नाम है अटलांटिक ओशन, राइट। यूएसए के ऊपर आपको पता है ये कैनेडा है, और यूएसए के नीचे मैक्सिको है, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, कैनेडा। अगला, अब आपको कुछ जगह देखनी है। एक तो ये जो यूएसए का ये वाला इसका अलास्का, अलास्का में एक जगह है एंकरेज, एंकरेज यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ये वाली जगह जो है एंकरेज है। अब ये वाली जगह जो है कनाडा, कनाडा में 3-4 जगह याद रखनी है। एक तो यहीं पे है वैनकोवर, वैनकोवर के ऊपर है एडमंटन, और इधर की साइड में है एक हेलीफैक्स, और हेलीफैक्स के ऊपर यहाँ पर एक पूरा एरिया न्यूफाउंडलैंड है, और न्यूफाउंडलैंड में एक जगह है सेंट जॉन, सेंट जॉन सिटी, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट, ये आपको पता ही है अरेबियन पेनिनसुला है। क्या है? अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इधर जो सी है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेड सी, रेड सी। इधर जो गल्फ है इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ने वाली कैनाल जो है वह है स्वेज कैनाल। अंडरस्टूड। अब सऊदी अरेबिया, मैंने बताया सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान, यमन में बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर नीचे एक पोर्ट है जिसका नाम है अडेन, अडेन पोर्ट। तो इस वर्ल्ड के मैप में आप इसको जूम करोगे तो ये रहा सऊदी अरेबिया, ये रहा यमन, ये रहा ओमान। तो पोर्ट ऑफ अडेन कहाँ हो जाएगा? ये जो किनारा है ना यहाँ पर आप भर देना अडेन पोर्ट। अंडरस्टूड। तो पोर्ट ऑफ अडेन भरना बहुत आसान है, राइट। नेक्स्ट, फ्रांस देखते हैं, कहाँ है फ्रांस? देखो ये वाला पूरा एरिया ये यूरोप है ना, यूरोप में। अब थोड़ा मैं जूम करता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जूम करके, ये लो भाई जूम कर दिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये वाला जो देश है ये है पोर्चुगल, ये वाला जो देश है ये है स्पेन, पोर्चुगल और स्पेन के ऊपर ये है आपका फ्रांस, और फ्रांस में यहाँ पर आप भर देना क्या? पेरिस इसकी कैपिटल है। क्या है? पेरिस। ऊपर ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका हो जाएगा यूके, इंग्लैंड, इंग्लैंड में आपको पता है यहाँ पर नीचे इस साइड में ये हो जाएगी लंदन। क्या हो जाएगी? लंदन। फ्रांस से बिल्कुल बगल में यहाँ पे ये जो फली सी है, ये फली क्या है? इटली, इटली, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यहाँ पर ये वाला एरिया है ये है तुर्की, या टर्की बोल रहे हैं ना, और ये पूरा मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो इनको आप याद रखना, इतना ही बहुत है। और यहाँ पे देखो ये रहा आपका फ्रांस, ये रहा यहाँ पे कौन सा, ये वाला फ्रांस हो गया।
फ्रांस में ऊपर की साइड में इस जगह पे है पेरिस, और फ्रांस के ऊपर आपको पता है ये वाला जो है ना एरिया, तो इस वाले एरिया का ये नीचे वाला हिस्सा दिखा रखा है, इतने एरिया का ये नीचे वाला हिस्सा दिखा रखा है यहाँ पे इधर साइड में, ये रहा यूके यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ की कैपिटल लंदन हो जाएगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस और इटली जो मैं अभी बता रहा था ये बिल्कुल अगल बगल में ही, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसकी बात कर रहे हैं, पुर्तगाल, स्पेन, पी एस, पहले पी आएगा फिर एस आएगा, फिर ऊपर फ्रांस, फिर नीचे इटली, याद रखना। और फ्रांस में भी यहाँ पे कैपिटल भर देना, क्या, पेरिस। नेक्स्ट ये यूके, यूके की बात करें हमें ना, तो यूके कौन सा है आपका, ये देखो इसको जूम करें, फ्रांस के ऊपर, ये तो हो गया फ्रांस, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा है यूके, क्या है, यूके, ये वाला आयरलैंड, आयरलैंड है, क्या है, आयरलैंड, आयरलैंड का आपको पता है ऊपर वाला हिस्सा यूके के साथ ही है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा आयरलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, लंदन। तो आप भर के आओ तो यहाँ डॉट लगा देना, ये वाला डॉट, ये हो जाएगी लंदन, ठीक है ना, इतना ही बहुत है इसमें। और तीन देश आप यहाँ पे देखो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जानते हैं इन देशों को यहाँ पे, जो आइसलैंड की बगल में है, तो कौन कौन से हैं तीन देश मैं बता देता हूँ, जूम करके देखो, ये तो हमने अभी देखा था, ये वाला तो क्या हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ये इसकी लंदन कैपिटल हो गई। तो यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, NSF, तीन देश हैं। और इसकी बगल में फिर यहाँ पे ये रशिया स्टार्ट हो जाएगा, रशिया, और रशिया के बगल में यहाँ पे ये यूक्रेन आ जाएगा, ठीक है, यूक्रेन, बेलारूस, ओके। तो तीन देश देखो यहाँ पे गौर से, पहला नॉर्वे, फिर स्वीडन और फिर फिनलैंड। नॉर्वे ऐसे पूरा फैला हुआ है यहाँ तक, राइट, नॉर्वे यहाँ पे पूरा ये फैला हुआ है यहाँ तक, नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों देश हैं, इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये आपका साउथ अमेरिका का मैप है। साउथ अमेरिका में बड़ा सा जो देश है ये है ब्राज़ील, जहाँ पे अमेजन रिवर फ्लो करती है। तो ब्राज़ील में इस नीचे की साइड में कोना सा जो है ना, यहाँ पे ये रेड डॉट लगा रखा है, ये रियो डी जेनेरियो है, जहाँ पे अर्थ समिट हुई थी, क्या हुई थी, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट ये देखो, ये पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका का ये नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, ये सदर्न वाला हिस्सा है। अफ्रीका में अगर तुम गौर से देखोगे तो ये वाला जो कंट्री है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हम बोलते हैं। और साउथ अफ्रीका में नीचे जो डॉट दिखा रखा है ये केप टाउन है, ये जगह है यहाँ की, क्या है, केप टाउन। और बगल में आपको पता ही है मेडागास्कर, क्या है, मेडागास्कर। तो यहाँ पे आप देखो ये साउथ अफ्रीका का नीचे वाला हिस्सा, और नीचे वाले हिस्से में भी इतना सा एरिया ये है साउथ अफ्रीका, और कोने पे यहाँ पे ये डॉट लगा रखा है, ये है केप टाउन, और ये मेडागास्कर आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, तो कल के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, मन लगा के करके आना, धन्यवाद।